राहुल बच्चे मुझे जर्मीना ने कितने बजे बोला था फोन करने को? कहती थी कि तकरीबन एक दो घंटे तक चलेगी और खत्म होने से पहले ही फोन कर देगी। अच्छा, लेकिन अब फोन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गई हूँ। और पता है मुर्जा मेरे साथ कौन आया? कौन आया? आओ। वालेकुम सलाम। भाई ये तो सना बेटा आया है। कैसा है बच्चे? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जर्मीने, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बच्चे जो सना को लेकर आया है। नहीं मोरजान, सना मुझे लेकर आई है। वो कॉलेज का फंक्शन कैंसिल हो गया था ना, तो सना कह रही थी मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दी थी। अच्छा चलो बैठो बच्चे, हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं आंटी, मैं बैठूंगी नहीं। क्यों बच्चे, ये कैसे हो सकता है? हम तुमको चाय पिए बगैर नहीं जाने देगा। वो एक्चुअली मामा का फोन बार बार आ रहा है, उन दोनों ने कहीं जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर वादा करो जरूर आएगा। जर्मीना, सना को फिर लेकर आना है। अच्छा तो आंटी, फिर मेरा पक्का वादा कि मैं जरूर आऊंगी। अगर आपने आने की इजाजत दी तो। कैसे इजाजत नहीं देगा बच्चे, ये तुम्हारा अपना घर है, एक बार नहीं हजार बार आओ। तो फिर मेरा वादा, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा चलो, सदीका को हमारा सलाम बोलना है और फिर दोबारा आओ तो उसको भी साथ लेकर आना है। उनका वादा मैं नहीं करती, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। अच्छा खुदा पामान। ओके आंटी, खुदाफिज। खुदाफिज जर्मीना। राहिल बच्चे जाओ, सना को गाड़ी तक छोड़ कर आओ बच्चे। जर्मीने, काना लाऊं बच्चे? जी मुरजान। सुनिए, आई जस्ट वांटेड टू आस्क के मेरे दोबारा आने पर आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अदे ने जो कहा वो आपने सुन लिया होगा। वेल, उन्होंने तो कहा कि मैं 1000 बार आ सकती हूँ। मेरी तरफ से आप 2000 मरतबा। थैंक्स। खैर सुकीना, बड़ा कसोनो वर्गा मुंह हुआ हुआ तेरा है? खैर ही है। अब्बा ये तेरा खुस्सा मैंने साफ किया है। ओए शाबाश मेरी तीरानी। पुत्र जो बुजुर्गों की जूतियां साफ करते हैं ना, उन छोटों के मुकद्दर खुल जाते हैं। ओ ऊपर वाला तुझे इस नेकी का अजर देगा। तो इसका मतलब है अब्बा तू कुछ नहीं देगा? पुत्र कल पेंशन लेने जाना है मैंने, तेरी माँ के हाथ से कुछ बच गया ना तो वो तुम दोनों को दूंगा। अब्बा आप बेशक मुझे कुछ ना देना, लेकिन बेबी को जरूर दे देना। चल चल, यही ना हो। ओए तुम दोनों मेरी बेटियां हो, तुम दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हाय हाय, दोनों में बांटूंगा। मैंने कहा बशीर पलवान जी, तुम मेरे मुखालिफ ग्रुप की माली इमदाद कर रहे हो। हाँ ओ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा सकी ना, जब अपोजिशन मजबूत हो ना तो हुकूमत मनमानी नहीं कर सकती। ना मैंने क्या मुखालफत की है? अब यही बात अपने दिल पे हाथ रख के कह सकी ना। ये ले
रख लिया दिल पे हाथ। सारी दुनिया का दिल खब्बे पासे, इसका दिल सजे पासे लगा हुआ। अच्छा छड़ परे, जो भी है मेरी बात गौर से सुन। मैंने मोहल्ले में एक सीन देखा, अपना साबरा के घर से ना सदीका की बेटी सना निकल रही थी। हाँ, उसके घर आई भी थी। तो ये तो अच्छी बात है। मुझको तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ। ले भी सकीना बेगम, अब कल जब मैं पेंशन लेके आऊंगा ना, तुझे पैसे दूंगा तो तूने सीधा बोर्ड वाले चौक जाना है और वहां नजर की ऐनक लगवानी है, क्योंकि अब तुझे दाल में कुछ ज्यादा काला काला नजर आना शुरू हो गया। न क्या मतबल? अरे पढ़िए लोग के, सदीका और उसके बच्चे मोहल्ले में नहीं आते थे तो तुम शोर मचाते थे कि बड़े नखरे वाले हैं। अब उन्होंने आना शुरू कर दिया तो तुझे दाल में काला काला नजर आना शुरू हो गया है। हर बात में बुराई नजर आती है तुझे। ओए, सबको रंजीत सिंह की तरह एक अख से देखती है। ओए, अपना एक दूजा डेला भी खोल, खा ले, चबना भी नहीं पाएगा। ए बेबी, अपनी भाभी के बगल से निकल कर जा, मेरे वास्ते एक चाय का कोप बना। अच्छा अम्मा। और तू क्या देख रही है? जल्दी जल्दी जाने। अमल ले जब जा रहा है, टोटा खाने जा रहे हो? टोटा खाने जा रहे हो? टोटा। ओ जी, हाँ गुदी।